वेलकम टू द वर्ड्स ऑफ फेथ। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे क्रोध की। क्रोध एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर दुनिया, लोग और पूरा संसार नष्ट हो जाता है। जब मन का संतुलन ना हो तो क्रोध आपकी शक्तियों को ले लेता है। क्रोध अगर अपने हित के लिए किया जाए, अपने स्वार्थ के लिए किया जाए या झूठ के लिए किया जाए तो हमेशा ही हानिकारक है और वही क्रोध आपको नष्ट कर देता है। इस जन्म में नहीं, आपके अगले जन्म में भी आपका परिवार इसका भोगी होता है। आप, आपका परिवार या ऐसा कोई भी भक्त अगर क्रोध के ऊपर काबू पा ले तो वो मनुष्य ही नहीं, एक लेवल ऊपर उठ जाता है। क्योंकि आपके जितने भी शब्द होते हैं वो सब यूनिवर्स में रहते हैं और एक दिन ये शब्द आपको आके बाण की तरह आपको नष्ट कर देते हैं। उसे कहते हैं कि आपका वक्त ठीक नहीं है। तभी लोग बोलते हैं शनि का कोप मत लो। छोटी छोटी चीजें जैसे अपने नौकर को, अपने मेड्स को डांटो मत, क्योंकि आप शनि का कोप ले रहे हैं और ये कोप एक दिन उनको ही आपका दुश्मन बना के आपको आके उस वक्त डसता है जब आप कहीं के नहीं रहते। शनि का कोप बहुत ही स्टेबल है और वो कभी भी गलत कार्य नहीं करता। इट डज जस्टिस। सो जस्ट रिमेंबर, बिफोर यू गेट एंग्री दैट यू हैव टू हैव अ रीजन टू गेट एंग्री। आज के लिए इतना ही, मगर जाते हुए मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने भी मास्टर्स हैं और अच्छी सोल्स हैं, उन लोगों ने अगर क्रोध किया तो दूसरों के लिए किया, अपने हित के लिए नहीं किया। कृष्ण ने, राम ने, जीसस ने, साई ने, या कभी कभी तो गुरु नानक ने भी जब क्रोध किया तो दूसरों के हित के लिए किया। और इन मास्टर्स को पवित्र पापी बोला जाता है क्योंकि उनने क्रोध पवित्रता के लिए किया, ह्यूमैनिटी के लिए किया। विचार करिए। आई एम लीविंग यू विद अ फूड फॉर थॉट। स्मरण करें, क्रोध आपका विनाश करने में सबसे पहला विकार है। साईं राम।